हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई तो कर गए हैं, लेकिन गेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो वो अपने स्कोर को लेके थोड़ा सा डाउट में है कि मैं इस स्कोर को कैसे यूटिलाइज करूँ, मैं मास्टर ज्वाइन कर लूँ या मैं फिर से गेट की प्रिपरेशन करूँ। तो वो काफ़ी कन्फ्यूज में हैं और उन्हें थोड़ा एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं उसी से रिलेटेड बात करने वाला हूं कि आप अपने गेट स्कोर को बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट की बात करता हूं जो 2 साल या 3 साल का गैप ले चुके हैं आफ्टर 4 ईयर इंजीनियरिंग और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनका स्कोर ईयर बाय ईयर कॉन्स्टेंट बना हुआ है या वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए उनको ये सजेशन है कि आप जो अपना गेट स्कोर है उससे आप एमटेक कोर्स ज्वाइन कर लीजिए किसी आईआईटी से या एनआईटी से। तो आपका जो एक तो जो मेंटल प्रेशर है कि आप 2 या 3 साल से जस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके ऊपर से थोड़ा मेंटल प्रेशर हटेगा। तो आप जब मास्टर प्रोग्राम में होंगे तो आप फिर से कॉलेज लाइफ में जाओगे तो थोड़ा रिलैक्स फील होगा, और अगर किसी अच्छे एनआईटी से एमटेक करने का मौका मिला तो प्लेसमेंट का सिनेरियो भी वहाँ पे रहता है। खैर वो अलग बात है, उसको मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो आप एमटेक कर सकते हो और साथ साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, लाइक गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो या अदर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर सकते हो। उस समय प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगा क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट आपके साथ होंगे। तो एक कॉन्डेसिव इन्वायरमेंट होगा जिसमें आप अपने एबिलिटी को फिर से पहचान पाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आप फिर से तैयारी करोगे। सपोज अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते हो तो आपके पास एक अनदर ऑप्शन रहेगा जो आपके बैकअप में आपका प्लेसमेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो 2-3 साल ड्रॉप ले चुके हैं उन्हें अपना गेट स्कोर को यूटिलाइज करके एमटेक ज्वाइन कर लेना चाहिए किसी आईआईटी या एनआईटी से। जो सेकेंड टाइप के स्टूडेंट हैं, जैसे कि वो जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हैं और गेट क्वालिफाई कर गए हैं, तो वो अपने स्कोर को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो उनको मेरा ये सजेशन है, अगर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और आप 1 साल ड्रॉप ले सकते हो तो आपको ज़रूर किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो तो आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो आपके पास दोनों चॉइस हैं, आप कोचिंग कर लो या तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर लो। हाँ, लेकिन अगर आपके पास मैंने जैसे बताया टाइम है और आपने ड्रॉप नहीं लिया है तो आप 1 साल डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो थर्ड टाइप के स्टूडेंट हैं, सपोज कोई अभी थर्ड ईयर में है उसने गेट क्वालिफाई कर लिया या कोई अभी जस्ट फोर्थ ईयर में है वो कर लिया, तो वो अपने गेट स्कोर को कैसे यूटिलाइज करे। अगर उनका गेट स्कोर अच्छा है तो उन्हें पीएसयू मिल सकता है। अगर वो गेट के बाद अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हैं तो वो आईआईटी या एनआईटी ज्वाइन कर सकते हैं अपने गेट स्कोर के साथ, या तो और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं किसी अदर एग्ज़ाम में तो आपको डेफिनेटली एक साल का ड्रॉप लेना चाहिए और सीरियस स्टडी करनी चाहिए जिससे कि आप जो फ्यूचर्स के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और अगर हम लास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें तो वो स्टूडेंट हैं जो गेट में अच्छा परफॉर्म भी किए हैं और उनका गोल सेट है, सपोज उनको मास्टर ही करना है, तो आप बिना किसी सोचे समझे मास्टर प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं इंस्टीट्यूशन द्वारा। तो आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और एमटेक, एमएस और डायरेक्ट पीएचडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एट लास्ट मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट 2 to 3 ईयर ड्रॉप ले चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर में होंगे, उनको प्रेशर रिलीज़ करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उन्हें मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको जो अपने गेट स्कोर को यूटिलाइजेशन को लेके थोड़ा सा एक डाउट था या कन्फ्यूजन था, इस वीडियो के थ्रू आपका क्लियर हो गया होगा एंड आपको इस वीडियो से डेफिनेटली एक हेल्प मिला होगा।
तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्यूचर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।